बच्चों, आपने चुंबक, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी देखा होगा कि यदि किसी दंड चुंबक पर लोह चूर्ण को बिखराया जाए तो आप चुंबकीय बल रेखाएं देख सकते हैं। बच्चों, आपको पता है हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच भी सकते हैं। चलिए आज हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? स्वाभाविक है, एक दंड चुंबक तो चाहिए ही, और साथ में हमें चाहिए सफेद कोरा कागज, स्केल, पेन पेंसिल और ये चुंबकीय सुई। इस चुंबकीय सुई को आपने अपनी शालाओं में देखा होगा। इसमें ये जो तीर नुमा दिखाई दे रहा है यही चुंबकीय सुई है और ये स्वयं में एक चुंबक है। आप जानते हैं ये हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही ठहरती है। तो चलिए चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस कोरे कागज में सेंटर पर हमने एक यहाँ देखिए लाइन खींची हुई है और अब हमें इस चुंबकीय सुई की सीध में इस लाइन को सेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसे हम सेट कर लेते हैं। इसके लिए ये देखिए, इसे सदैव हमें लंबवत देखना होगा और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हों तो कोई भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ आसपास ना हो, इसलिए हम इसे यहाँ दूर में रख देते हैं। ठीक है, अब हम इसे लंबवत सेट कर लेते हैं। ये देखिए ये सेट हो गया। चलिए अब हमें ये देखिए जो तीर की तरफ जो नोक वाला दिखाई दे रहा है ये हमेशा नॉर्थ को बताता है, उत्तर को। तो यहाँ हम एन लिख देते हैं। अच्छा, पहले हम एक काम कर लेते हैं, कागज हमारा हिल ना जाए इसलिए हम इसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सुई हमारी सीध में है, अभी हम इसे फिक्स कर लें। ये देखिए थोड़ा सा अगर हिल भी जाए तो आप इसे पुनः सेट कर लें ये, और इसके बाद कागज को अच्छी तरीके से सेलो टेप की सहायता से आप फिक्स कर लें। ये देखिए अब हमारे कागज की स्थिति नहीं बदलेगी और अब हम उत्तर और दक्षिण जो है वो मार्क कर देते हैं। जो नोक की तरफ होगा वो उत्तर को दिखाएगा और जो टेल है इसकी वो होगी आपकी साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, अब हम इस चुंबकीय की सुई को यहाँ से हटाते हैं और ये दंड चुंबक यहाँ ले आते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ एन हमने लिखा हुआ है तो इसको भी इसी प्रकार लिखें रखें कि ये उत्तर की तरफ, ये एन के साथ एन और एस के साथ एस हो गया। यहाँ इसे आप चुंबक को रखने के बाद इसकी स्थिति को कागज पर उकेर ले, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखाएं खींचने के लिए चुंबकीय सुई की आवश्यकता होगी। आपको करना क्या है, देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तर से निकलती हैं, इसलिए हम इसे ये देखिए ये एन पे इसको सेट किया। ये तीर आपको इस सिरे से चिपका हुआ है और इसकी जो पूंछ वाला हिस्सा है उसके जस्ट सामने आपको एक निशान लगाना है। ये देखिए ये प्रक्रिया अच्छे से समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस तीर को इस निशान के बिल्कुल सामने इस प्रकार रखेंगे और फिर जो पूंछ वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा उसके फिर सामने आपको ये निशान लगाना है। यही प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाती जानी है और इससे जो बिंदु आपको मिल रहे हैं इनको मिलाने से हमें चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई देंगी। ये देखिए ये फिर से आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए नोक के सामने इस निशान को कर लिया और उसके बाद फिर पूंछ के तरफ सामने आपने फिर निशान लगा दिया। बिल्कुल, अब इनको मिला लेते हैं। ये देखिए ये पहली चुंबकीय बल रेखा जो है हमें यहां मिल गई, इसको मिला लीजिए। ठीक है, और अब अगली चुंबकीय बल रेखा खींच लेते हैं। ये रखा हमने फिर से इसे सिरे पे और उसके बाद पुनः वही प्रक्रिया और इसी प्रकार बिंदु प्राप्त कर करके आप चुंबकीय बहुत सारी बल रेखाएं खींच सकते हैं। ये हो गए। तो देखिए बच्चों, हमने कितनी सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली हैं। इसमें से ये देखिए
ये जो चुंबकीय बल रेखा है ये उत्तर से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जा रही है। ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ पर हैं। कुछ बल रेखाएं जो है ये देखिए ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ रही हैं। इनमें कुछ में हमने एरो निशान लगा दिया है। अब जैसे इसमें नहीं लगा हुआ ये किधर होगा, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ रही है तो ये एरो इस तरह से लगेगा। और ये जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं तो ये तीर का निशान इसकी तरफ होगा। देखिए कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह की भी हमको मिलेंगी, ये देख रहे हैं आप। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हमने खींची, ऐसी और भी चुंबकीय बल रेखाएं आप इसमें खींच सकते हैं। साथ ही बच्चों क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। ये जो चुंबक है इसके चारों तरफ आप जो क्षेत्र देख रहे हैं यहां भी दो चुंबकीय बल कार्य कर रहे हैं, एक इस चुंबक के द्वारा और एक पृथ्वी के द्वारा। यहां हमें ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जहां पर चुंबक के द्वारा लगाया गया चुंबकीय बल और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया चुंबकीय बल समान और विपरीत होगा। उस बिंदु पर कोई चुंबकत्व नहीं रहेगा और ऐसे बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। चलिए इस चुंबकीय क्षेत्र में हम उस बिंदु को ढूंढते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से चुंबकीय सुई की मदद लेंगे और इस चुंबकीय सुई को देखिए यहां पर आपको इन जो बल रेखाएं हैं ये जो वक्रीय हैं इनसे एक क्षेत्र दिख रहा होगा। ये देखिए ये एक क्षेत्र, ये एक क्षेत्र। इस क्षेत्र में उस बिंदु को हमको ढूंढना है। तो इस क्षेत्र पे इस चुंबकीय सुई को रखिए और इस आलपिन की मदद से आपको ये करना है कि इसे इस प्रकार सुई के ऊपर रखकर क्लॉकवाइज एक बार घुमाइए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए कि क्या ये सुई आपकी आलपिन के साथ घूमती है। इसे देखते हैं, ये देखिए यहाँ नहीं घूम रही है। थोड़ा और स्थान बदल कर देखिए, नहीं घूम रही है, यहां भी नहीं घूम रही है। आपको इस क्षेत्र पर चुंबकीय सुई को अलग अलग स्थानों पर रखकर देखना होगा। देखिए यहां पर देखते हैं, ये देखिए ये जो है हमारी आलपिन के साथ चुंबकीय सुई क्लॉकवाइज भी घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रही है। तो ये हमें मिल गया उदासीन बिंदु। देखिए फिर से देखिए, ये देखिए, और फिर आपको इस तीर पर आलपिन की इस नोक को ऐसे रखना है और फिर घुमाना है। तो देखो बच्चों इस प्रकार हमने ये उदासीन बिंदु प्राप्त किया। तो बच्चों हमें उदासीन बिंदु मिल गया है। अब इस बिंदु को यदि हमें इसमें निशान लगाना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये तो पूरी चुंबकीय सुई यहाँ रखी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए इसके चारों तरफ इस चुंबकीय सुई के चारों तरफ ऐसे निशान लगा दीजिए। ये निशान हम लगा देते हैं इस प्रकार से, और अब इस स्केल की सहायता से आप दो लाइन इस तरह खींच लीजिए और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु आपको उदासीन बिंदु के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमको उदासीन बिंदु के रूप में मिल गया। इसको हम ऐसे गोला बनाकर यहाँ बीच में दिखा देते हैं। ठीक है, आपको पता है ये जो क्षेत्र आपको यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं से घिरा हुआ दिख रहा है यहाँ भी आपको एक और उदासीन बिंदु मिलेगा। पर अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी शाला में एक चुंबक लेकर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी है और जब आपको इस प्रकार का क्षेत्र मिल जाए तो वहां आपको दोनों उदासीन बिंदुओं को ढूंढना है।